नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 360। मैं हूं स्वाति रायना। बिजली बिल ऑनलाइन या फिर किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से अगर चुकाते हैं तो अब कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा, और यही है ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा ऐलान। मतलब साफ तौर पर ऑनलाइन बिल चुकाओ और चार्ज से छुटकारा पाओ। कुछ समय पहले खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कुछ जो कह सकते हैं सॉप्स हैं और कुछ जो लुभावने ऑफर्स हैं वो ग्राहकों को देने की कोशिश की जा रही है, और अब जो इसका दायरा है वो आपके बिजली बिल तक भी पहुंच चुका है। और खुद बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने ये बड़ा ऐलान किया है कि बिजली का भुगतान अगर आप करते हैं तो उस पर आपको कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, ये समझाइए कि अब जितने भी उपभोक्ता हैं बिजली बिल अगर वो कैशलेस पेमेंट के थ्रू करते हैं तो कैसे उन्हें अब फायदा होने जा रहा है? देखिए, पावर मिनिस्ट्री ने एक बड़ा ऐलान किया है। बैंकों के साथ कार्ड के साथ जो अलग अलग कार्ड सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हैं और इसके अलावा जो मोबाइल वॉलेट सर्विसेज जो प्रोवाइड करती हैं कंपनियां, उनके साथ टाई अप किया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। और ये सर्विसेज कंज्यूमर को अब दी जाएंगी कि अगर आप कार्ड के जरिए, हालांकि इसमें क्रेडिट कार्ड शामिल नहीं होगा क्योंकि पावर मिनिस्टर का ये कहना है कि क्रेडिट कार्ड को गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर सकती है, इसलिए डेबिट कार्ड के जरिए या फिर आप मोबाइल वॉलेट के जरिए अगर आप पेमेंट करते हैं तो किसी भी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर 2000 रुपये से ज़्यादा का पेमेंट आप करते हैं तो उस पर आपको कुछ एडिशनल चार्जेस लगते हैं, वो सारे पेमेंट अब नहीं लगेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो ऑल टाइम के लिए चार्जेस खत्म कर दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये किसी लिमिटेड पीरियड के लिए है। तो कंज्यूमर कभी भी डिजिटल मीडियम का इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए तो उनको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सरकार ने ये सुविधा तो कंज्यूमर के लिए दी है, लेकिन अब डिजिटल पेमेंट का मीडियम जो है कंज्यूमर को अवेलेबल कराना बेहद ज़रूरी है, और इसमें राज्यों की भूमिका सबसे अहम होगी क्योंकि राज्यों को ये जो सुविधा है ये उपलब्ध कराना होगा। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने सारे राज्यों से अपील की है कि वो अपने कंज्यूमर को डिजिटल पेमेंट मीडियम अवेलेबल कराएं, ये सारे मीडियम उपलब्ध कराएं ताकि उनको इसका फायदा हो। सरकार कोशिश कर रही है कि इन तमाम तरह के सुविधाओं के साथ कंज्यूमर को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और कैशलेस इकोनॉमी का ये जो टारगेट है उसको हासिल किया जाए, और उस दिशा में ये काफी महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। अतिरिक्त चार्ज के यहाँ पर बात की जा रही है कि ग्राहकों को चुकाना नहीं होगा अगर वो कैशलेस मोड का इस्तेमाल करते जिसमें क्रेडिट कार्ड शामिल नहीं है, ये कौन से अतिरिक्त चार्ज जिनकी बात की गई? देखिए, जो कार्ड चार्जेस होते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जैसे आप मान लीजिए कि अगर आप मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल करती हैं तो वॉलेट के इस्तेमाल में एक लिमिट होता है कि उस लिमिट से अगर आप उस वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक चार्जेस देने पड़ते हैं जो कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट होते हैं। वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट हटा लिया गया है और इसका जो फ़ायदा है सीधे कंज्यूमर को मिलेगा। और इसमें कुछ कंपनियों के साथ ये भी बातचीत चल रही है कि वो वेव ऑफ आपको कैशबैक देंगे, कुछ मामलों में कुछ कंपनियाँ कैशबैक दे भी रही हैं। तो ये तमाम कार्ड चार्जेज आपको नहीं लगेंगे, मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं वो चार्जेज आपको लगते हैं एक लिमिटेड के बाद। जैसे 2000 रुपये का पेमेंट कर रहे हैं उससे ऊपर का अगर आपका पेमेंट होता है तो उस पर आपको चार्जेज लगते हैं, वो चार्जेज अब नहीं लगेंगे। जी, और इसकी मियाद कभी रखी गई है कि यहाँ तक फायदा मिलेगा? नहीं, ये ऑल टाइम फैसिलिटी अरेंजमेंट मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने किया है, इसमें कभी भी इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई डेट फिक्स नहीं किया गया है, ऑल टाइम के लिए कंज्यूमर को ये सुविधा मिलेगी। चलिए, तो ये कंज्यूमर्स के लिए काफी अच्छी खबर है कि आप ऑनलाइन बिल चुकाइए और जितने भी अतिरिक्त चार्ज है उससे आप छुटकारा पाएंगे। आप हमारे साथ प्रकाश बने रहिए क्योंकि एक और बड़ी खबर जिसका सरोकार तमाम आम लोगों से है वो ये है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। तो एक तरफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेकर अगर आप बिजली का बिल भरेंगे तो राहत है, लेकिन पेट्रोल डीजल को लेकर आफत भरी खबर। कल ऑयल कंपनियों की होने वाली समीक्षा बैठक में इसका ऐलान हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्रूड की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, $55 प्रति बैरल के करीब पहुंची कीमतों के चलते तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में बड़ी बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। प्रकाश, आपसे समझना चाहेंगे कि पेट्रोल डीजल के दामों में बड़ी बढ़ोतरी के संकेत किस ओर इशारा करते हैं, कितनी बढ़ोतरी की जा सकती है? देखिए, जिस तरीके से लास्ट पखवाड़े में हमने देखा कि ओपेक के डिसीजन के बाद क्रूड ऑयल की कीमतों में काफ़ी तेजी आई, इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी दिखी, ये दो बड़े कारण हैं जिसकी वजह से ऑयल कंपनियां पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती हैं। जो गुंजाइश है वो मौजूदा स्तर ये बताता है कि 7 रुपये के आसपास का है, लेकिन हमारे सोर्सेस ये बता रहे हैं जो ऑयल पीएसयूज में हैं वो ये बता रहे हैं कि ये जो बढ़ोतरी है वो एक मुश्त नहीं होगी,
ये टुकड़ों में होगी, 2 रुपये से 3 रुपये के बीच में शुरुआती तौर पे बढ़ोतरी की जा सकती है। कल ऑयल कंपनीज़ पेट्रोल डीजल की कीमतों की समीक्षा के लिए बैठेंगी, उसमें यह फैसला किया जाएगा। इसके अलावा एक सवाल ये भी उठता है कि क्या सरकार जो है एक्साइज ड्यूटी में कटौती के रूप में कंज्यूमर को राहत देगी, लेकिन सोर्सेस ये बता रहे हैं कि सरकार अभी इस बारे में कोई विचार नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार का आकलन ये है कि $55 से $60 पर बैरल के बीच में जो कीमतें हैं क्रूड ऑयल की वो रहेंगी, और ये जो लेवल है वो कंफर्टेबल लेवल है, और इसके आगे अगर ये कीमतें क्रॉस करती हैं उसके बाद सरकार एक्साइज ड्यूटी में कटौती पर विचार करेगी। तो फिलहाल इस बारे में विचार नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरीके से क्रूड ऑयल की कीमतों में तेज़ी आई है, कंज्यूमर को पेट्रोल डीजल कीमतों में बढ़ोतरी होगी, ये बढ़ोतरी 2 से 2.5 रुपए। तो प्रकाश, समझने वाली बात यह है कि आने वाले समय में 7 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है पेट्रोल डीजल के दाम में, लेकिन एक साथ नहीं, बल्कि धीरे धीरे करके 2 या 3 चरणों में इसकी बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे कंज्यूमर पर ज्यादा बोझ ना पड़े। लेकिन वाकई ये खबर के बाद तो अभी लोग परेशान हो ही गए होंगे। बहुत शुक्रिया प्रकाश हमसे बातचीत करने के लिए। एक और खबर आपके मतलब की, नोटबंदी के बाद अगर आप रिवाइज रिटर्न भरकर अपना टैक्स जमा करने की सोच रहे हैं तो ये खबर बेहद ही ध्यान से देखने वाली है, क्योंकि नोटबंदी यानी कि 8 नवंबर के बाद रिवाइज रिटर्न दाखिल करने वालों पर आईटी विभाग की पैनी नजर है। आयकर विभाग के जारी सर्कुलर में कहा गया है कि रिवाइज रिटर्न में अगर आप इनकम को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, कैश ज्यादा बताते हैं या फिर खातों में प्रॉफिट बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, आपका केस स्क्रूटनी में जा सकता है, भारी पेनल्टी आपको चुकानी पड़ेगी। इतना ही नहीं, इनकम सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो ऐसे इनकम पर करीब 85% टैक्स पेनल्टी लग सकती है। गौरतलब है कि नोटबंदी के बाद लोग रिवाइज रिटर्न भरकर अपने काले धन को सफेद करने में जुटे हैं, और इनकम टैक्स ने ऐसे लोगों के लिए ही यह स्पष्टीकरण जारी किया है। तो देखिए किन मामलों पर नजर है अब इनकम टैक्स की। रिवाइज रिटर्न भरकर अपना टैक्स जमा करने की आपने सोची है तो ये आपको बताएं कि आईटी विभाग की नजर आप पर पूरी तरह बनी हुई है, क्योंकि अगर सोर्स अच्छे से नहीं बता पाए तो 85% टैक्स पेनल्टी लग सकती है। मेरे सहयोगी आलोक से बात करते हैं। आलोक, तमाम मोर्चों पर सरकार, साथ ही साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब यही कोशिश करी तमाम लोगों पर शिकंजा कसा जाए जो कि अपने जो काली कमाई है उसको सफेद करने की जुगत भिड़ा रहे हैं। अगर आलोक आप हमें सुन पा रहे हैं तो आपसे समझना चाहेंगे कि कितने लोग हैं जिनके ऊपर अब गाज गिर सकती है। आलोक आप सुन पा रहे हैं हमें? आलोक से एक बार फिर से संपर्क करेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको बताएं कि आईटी रेडार पर अब रिवाइज रिटर्न है, क्योंकि अब इनकम टैक्स विभाग ने बाकायदा एक सर्कुलर जारी किया है, क्योंकि नोटबंदी के बाद जितने भी रिवाइज्ड आरटीआर के मामले आए हैं सामने उनकी अब स्क्रूटनी होगी। अब किन मामलों की स्क्रूटनी होगी? जिन्होंने अपना सोर्स एक्सप्लेन नहीं किया है उन पर कार्रवाई हो सकती है, प्रॉफिट बढ़ा चढ़ाकर जिन्होंने दिखाया है या फिर जिनकी कैश होल्डिंग है उन वो दिखाने वालों पर आईटी विभाग की नजर है, और पेनल्टी का प्रावधान क्या है? आईटी विभाग ऐसे रिवाइज्ड आईटीआर पर 85% तक पेनल्टी लगा सकती है। चलिए अब आलोक से ही जानते हैं। आलोक, किस तरीके का मैकेनिज्म अब तैयार किया गया है उन लोगों पर, खासतौर पर जिन्होंने रिवाइज्ड आईटीआर पोस्ट डिमोनेटाइजेशन दाखिल किया है? बिल्कुल, देखिए जो अंडर सेक्शन 141, 142(1) के तहत जो इनकम टैक्स विभाग नोटिस भेज के ये पूछता है कि ये इनकम में क्यों गड़बड़ी है, उसके बाद जब रिवाइज आईटीआर दाखिल किया जाता है, या फिर अगर आपने तय समय सीमा पर अगर आपने आईटीआर दाखिल किया है तो आप दोबारा से 1 साल के अंदर जो रिवाइज आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि एक बार अगर आपने आईटीआर दाखिल कर दिया तो उसमें अपने कंपनी का बैलेंस शीट और तमाम चीज़ें डालनी पड़ती हैं। अगर ऐसे में कोई आदमी ये कहता है कि ये प्रॉफिट मेरा रह गया था, नहीं हमने डाला था, या फिर जो हमारी कैश इन हैंड थी वो रह गई थी, अगर इस तरह की चीज़ें वो डालता है तो जाहिर सी बात है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसकी जांच करेगा। अगर ये पाया गया कि ये तय बैलेंस शीट या तय जो इनकम जो रिटर्न दाखिल किया गया उससे ज़्यादा है या कहीं गड़बड़ी पाई जा रही है तो उसके ऊपर से जुर्माना और उसको इनकम टैक्स एक्ट के तहत जेल भी भेजा जा सकता है। तो ये तमाम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक तरह से एक चेतावनी दी गई है उन तमाम लोगों के लिए जो इनकम टैक्स की धारा है 139 उसके तहत ये अगर दुरुपयोग करते हैं, मिसयूज करते हैं तो उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा सकती है। और आलोक, आईटी विभाग ऐसे रिवाइज आईटीआर पर 85% तक पेनल्टी भी लगा सकता है। बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर और जानकारी के लिए आपका। ऐसे नोट बैन के फैसले के बाद आपको भले ही कैश की किल्लत हो रही हो लेकिन देश भर में छापेमारी से नोट की गड्डियां निकल रही हैं। इसमें नए और पुराने नोट
दोनों तरह के नोट शामिल हैं। ये चार तस्वीरें आप देखिए, सुबह से नोटों की बरामदगी के 5 मामले सामने आ चुके हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, पणजी और रायगढ़। कहां पर कितने नोट बरामद हुए हैं, 3.25 करोड़ रुपए दिल्ली से, लगभग 2.25 करोड़ रुपए चंडीगढ़ से भी मिले हैं, पणजी से 68 लाख रुपए के नए नोट जब्त किए गए हैं, तो 8 लाख की नई करेंसी रायगढ़ से जब्त की गई है। ईडी ने छापेमारी करके इन तमाम जगहों से ये करेंसी बरामद की है, जो कि लगातार दिन ब दिन नए मामले सामने आते जा रहे हैं और जिसमें एक बहुत बड़े गोलमाल का शक जताया गया है। तो देश के अलग अलग हिस्सों से नए और पुराने नोटों के मिलने का सिलसिला जारी है। कहां पर ये शिकंजा कसा जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के एक होटल पर पुलिस और इनकम टैक्स की छापेमारी के दौरान 3.25 करोड़ रुपए के पुराने नोट मिले। वहीं चंडीगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय ने 2.19 करोड़ रुपए के नोट जब्त किए, इनमें से 18 लाख नई करेंसी में हैं। दिल्ली के करोल बाग में होटल तक्ष के कमरा नंबर 202 और 206 में छापेमारी के दौरान 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पता चला है कि ये लोग मुंबई के हवाला ऑपरेटर्स के लिए काम करते थे। ये पैसा दिल्ली से मुंबई जाना था। ये लोग नोटों की पैकिंग इस तरह से करते थे कि एयरपोर्ट पर भी नहीं पकड़े जा सकते थे। कि तक्षिण होटल है करोल बाग में, जहाँ पे कुछ दिनों से सस्पिशियस एक्टिविटी चल रही है। लोग आते हैं, बैग भर के लाते हैं, फिर चले जाते हैं, और कुछ लोग ऐसा है जो मुंबई से आके वहाँ पे टिके हुए हैं। तो इसी को इनपुट को हमने इनकम टैक्स अथॉरिटीज से शेयर किया और फिर ये ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया। पिछले 24 घंटे के दौरान देश के कई शहरों से भारी मात्रा में नोट बरामद हुए हैं। मुंबई के पास ठाणे से 1 करोड़ रुपए के नए नोट बरामद हुए हैं। हैदराबाद पुलिस ने डकैतों के एक गैंग से 52 लाख रुपए के नए नोट जब्त किए हैं। पुणे से 67 लाख रुपए बरामद हुए हैं, जबकि गोवा से 24 लाख रुपए मिले हैं। तो दिल्ली से कैसे ये ब्लैक मनी बरामद की गई है, आपको बताएं, एक होटल से 3.25 करोड़ के पुराने नोट बरामद किए गए और ये जो पुराने नोट थे अलग अलग कार्डबोर्ड्स में रखे गए थे। उन्हें कुछ इस तरह से पैक किया गया था कि वो स्कैनर से बच जाएं। देखिए कितनी बड़ी खेप ये पकड़ी गई है। इन रुपयों को दिल्ली से मुंबई ले जाने की साजिश थी। एयरपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन पर ये पकड़े ना जाए, इसके लिए ही इसकी खास पैकिंग की जा रही थी। आयकर विभाग और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट ऑपरेशन में 3.25 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं और मौके से 5 आरोपियों को भी पकड़ लिया गया है। दिल्ली में काले कुबेरों के मिलने का सिलसिला अभी भी जारी है, जिनके पास 3.25 करोड़ रुपए के पुराने नोट जब्त किए गए हैं। 4 आरोपियों को फिलहाल पकड़ लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि चंडीगढ़ के एक HDFC ब्रांच पर ईडी की नजर है। ईडी के रेड में 2000 रुपए के 887 नोट मिले, जिसकी कीमत 18 लाख रुपए है। HDFC के इस ब्रांच में एक अकाउंट से 1 लाख रुपए भी बदले गए हैं। बर्तवाग ATCS के बाद अब सारिस मिस्त्री की TTSL के डायरेक्टर पद से भी छुट्टी हो गई है। आज हुई EGM में शेयर होल्डर्स ने सारिस मिस्त्री को डायरेक्टर पद से हटाने के पक्ष में फैसला दिया है। इसके साथ ही मिस्त्री अब TTSL के चेयरमैन भी नहीं रहेंगे। TTSL में टाटा ग्रुप की कुल 36.17% हिस्सेदारी है, जबकि NTT डोकोमो की 26.5% हिस्सेदारी है। माना यह जा रहा है कि NTT डोकोमो ने भी मिस्त्री को हटाने का समर्थन किया और इस तरह 62% शेयर होल्डिंग मिस्त्री के खिलाफ गई। TTSL और NTT डोकोमो के बीच एग्जिट प्राइस की शर्तों को लेकर कोर्ट में विवाद भी चल रहा था। टाटा संस का आरोप है कि सारिस मिस्त्री डोकोमो के साथ विवाद सुलझाने में नाकाम रहे, जबकि मिस्त्री की दलील यह थी कि RBI के नियमों के तहत फेयर मार्केट वैल्यू से ऊंचे रेट पर TTSL के शेयरों को वापस खरीदना मुमकिन नहीं है। तो TCS के बाद अब साइरस मिस्त्री की TTSL के डायरेक्टर पद से भी छुट्टी हुई है। जो एक EGM आज हुई थी उसमें शेयर होल्डर्स ने साइरस मिस्त्री को डायरेक्टर पद से हटाने के पक्ष में फैसला दिया है। वैसे TCS की जो EGM हुई थी उसके बाद तो लग ही रहा था कि अब TTSL से भी उनकी डायरेक्टर पद से उनकी छुट्टी तय है, जिसके तहत आज जैसी उम्मीद की जा रही थी, अनुमान लगाया जा रहा था, वैसा ही हुआ है।
साइरस मिस्त्री ने टीसीएस की एजीएम में माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को समर्थन के लिए शुक्रिया भी कहा है। साइरस मिस्त्री ने अपने बयान में कहा कि वोटिंग में क्या होने वाला है इसका अंदाजा उन्हें पहले से ही था, क्योंकि टाटा सन्स के पास कंपनी में 73.33% हिस्सेदारी थी। लेकिन जिस तरह नॉन प्रमोटर कैटेगरी के 70% से ज्यादा शेयर होल्डर्स ने उनके पक्ष में वोट दिया या उन्हें हटाने के प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं की, वो उनके लिए काफी मायने रखती है ये बात। मिस्त्री ने कहा कि जिन छोटे शेयर होल्डर्स ने वोटिंग की है उनमें से 78% ने उनका साथ दिया है। संस्थागत निवेशकों की ओर से भी जितनी वोटिंग हुई उसमें 43% ने मिस्त्री का साथ दिया। और मिस्त्री ने कहा कि जिस तरह छोटे निवेशकों की ओर से वोटिंग हुई उससे साफ है कि टाटा ग्रुप में गवर्नेंस के मुद्दे पर उन्हें साथ मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो गवर्नेंस को सुधारने की लड़ाई आगे भी लड़ते रहेंगे। चलिए, हमारे साथ सहयोगी सिल्की सिंह भी जुड़ गए हैं। सिल्की, जैसा कि आज ईजीएम हुई है, तय माना जा रहा था कि अनुमान भी जताया जा रहा था कि टीसीएस के बाद अब टीटीसीएल से भी मिस्त्री की छुट्टी हो ही जाएगी, और कुछ वैसा ही हुआ भी। जी जरूर स्वाति, जैसा आपने बोला कि इस मीटिंग जो बुलाई गई थी, जो ईजीएम बुलाई गई थी साइरस मिस्त्री को बतौर डायरेक्टर कंपनी के बोर्ड से हटाने के लिए, इस मीटिंग का आउटकम ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था और एज पर एक्सपेक्टेशन ही जो आउटकम आया है उसे कहा जा सकता है। क्योंकि आप देखें, लंबे समय से एंटिटी डोकोमो और से जो विवाद है जॉइंट वेंचर को लेकर, उनके एग्जिट प्राइस को लेकर काफ़ी लंबे समय से विवाद खिंच रहा है। और जो शेयर होल्डर्स हैं उसमें एंटिटी डोकोमो ने भी जो है टाटा सन्स के समर्थन में साइरस मिस्त्री को डायरेक्टर पद से हटाने के फेवर में वोट किया है, ऐसा हमारे सूत्रों ने हमें बताया है। और ये जो विवाद है ये काफ़ी लंबे समय से एग्जिट प्राइस को लेकर चल रहा था, और जाहिर सी बात है कि इसे जल्दी सुलझाने के लिए एंटिटी डोकोमो ने जो टाटा ग्रुप है उसके साथ मिलकर उनके समर्थन में यानी के फेवर में वोट किया है। और अब आगे कहा जा सकता है कि ये जो जॉइंट वेंचर जो है उनमें जो कुल हिस्सेदारी है टाटा ग्रुप की और एंटिटी डोकोमो की, वो 62.67% की है, जो कि एक मेजॉरिटी कहा जा सकता है, मेजॉरिटी विन रहेगा डिसीजन के लिए। और वही आउटकम आया कि साइरस मिस्त्री को यहां से डायरेक्टर पद से हटने का जो जी बहुत शुक्रिया सिल्की, इस पूरी खबर पर और डिटेल में अपडेट के लिए।